सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। रिश्वत को रेलू भात बस कर, अब भंडना सपोर्ट, अब कदगा खेलू रे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले मैं यही बोलूंगी, और दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि आज है संडे यानी कि फन डे। आप मजे कर रहे होंगे, आज दिन भर आपने खूब आराम किया होगा, और मैं भी आराम से उठी, फिर मैं नहाई, जो कि बहुत टाइम बाद मैं नहा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों, ठंडा है तो यहाँ अब मतलब लेट लेट ही नहाते हैं, लेकिन अब थोड़ा जो बाहर है प्लेन्स का एरिया है वहाँ गर्मी हो गई होगी मुझे बताना, लेकिन यहाँ अभी भी ठंडा ही है। तो दोस्तों आज है संडे, फंडे और चीट डे, साथ में चीटिंग करने वाला डे। यानी कि जो आप में से कुछ लोग होंगे जो डाइटिंग कर रहे होंगे, या मैं कर रही हूँ जैसे डाइटिंग, तो आज के दिन मैं कुछ भी खा सकती हूँ। ये दिन मैंने इसीलिए चुना है कि मैं कुछ भी खा सकूँ, और अपने जो हफ्ते भर में मैंने खुद को प्रताड़ित किया है ना, टॉर्चर किया है, तो मैं उसके लिए अपने खुद से माफी मांग सकूं। तो दोस्तों चीट डे आज, यानी मैं कुछ भी खा सकती हूँ, तो आज बहुत मजा आने वाला है। हम जाएंगे खाने, और पहले मैं पानी भरने जाऊंगी ताकि थोड़ा सा जो मैं खाऊंगी वो भी जल जाए, बर्न हो जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस ब्लॉग में। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो संडे का आनंद लेने। चुटका चुटकास, हेलो हेलो बेटा, इधर देखो, पहले मुझे भरने दो। बोलो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझे? मैं तुमसे बड़ी हूँ, पहले मैं भरूंगी। क्यों? तो पहले आए पहले पाए, नहीं जो बड़ा होता है वो भरता है पहले। मैं हटा दूंगी तुम्हारा, हटा दूंगी है? जो बड़ा है वो पहले भरेगा। अब तो तुम्हारा भर ही गया, वरना मैं तुम्हारे से लड़ाई करके ना पहले अपना नंबर लगाती, ठीक है ना? इधर देख, ए छोटू, क्या नाम है तेरा? इसका नाम बब्बू है। बब्बू? और तेरा नाम अब्बू? ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? रोज आते हो तुम पानी भरने? रोज आते हो? हाँ, और दीदी को पानी नहीं भरने दिया ना पहले तुम लोगों ने? बहुत गलत बात है पापा। है ना गलत बात? कितने दूर जाना है तुझे ये पानी लेके? कहाँ है तुम्हारा घर? अच्छा, सर पे ले जाएगा? अरे वाह, भारी हो रहे। तो छोटी बोतल ले जाओ वाली। ओए, इससे क्या बिगाड़ा तेरा, इसको भी रुक। ठीक हुआ तूने पहले मुझे नहीं भरने दिया ना, इसलिए तुझे सजा मिली, वो चला गया। ठीक हुआ, ठीक हुआ, ठीक है, ठीक है। वो हमारी, वो तुम्हारी है? हाँ, वो तो हमारी है। ओ बाय बाय बोल दे बाबू, कितना दुष्ट है यार। दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया कि ये पहाड़ों के अंदर ही अंदर से आता है पानी, तो वो बोलते हैं कि बड़ा शुद्ध होता है ये पानी, पहाड़ों का मीठा पानी, मीठू और ठंडू पानी। ऊपर क्यों चढ़े हो तुम लोग बंदरों की तरह? ओए बंदर, थक गए ना? भागो भैया, समोसे बन गए, चार पैक कर दो हमारे लिए। ठीक है, ठीक। ये है हमारे घुसी भैया की फेवरेट समोसों की दुकान, जहाँ भीड़ लगी रहती है ना समोसों के लिए, और अभी एक बच्चा भी लेके गया। और क्या क्या बनाते हो भैया? और क्या बनाते हैं? चाउमीन, छोले, समोसे। जलेबी बनाते हो? मैं जलेबी नहीं बनाती, नमक गरम गरम समोसे। अच्छा, नमक पारा नमकीन, ठीक है, थैंक यू। Thank you.
अच्छी लगती है खट्टी मीठी। अच्छा मुझे लगा ये भी समोसे लेने आएगी। समोसे नहीं खाओगे आप आज संडे? आज समोसे खाओ, आज चीट डे होता है पता है? चीट डे पता है आपको? नहीं पता है? कोई नहीं, आपको जानने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बोल दे, बोल बाय बाय बोल दे, बाय। मैं गरम गरम समोसे लाई हूँ। यस, आप क्या बना रही हो सोनिका? मैं तेरे लिए ओट्स बना रही हूँ। अरे मम्मा आज नहीं बनाना था ओट्स, मैं बोलना ही भूल गई, आज चीट डे होता है मम्मा। मैं क्या किया, ये दाल का सूप बना रही थी लेकिन भूल ही गई, जब जाती है ना तो मैंने से बोल दिया कर। एक दिन तो बख्श दो मेरी माँ, एक दिन तो इन ओट्स से छुटकारा दे दो मुझे। सॉरी बेटा ये बन गया, आज इसे आप ही खाना। चल तो मैं ही खा लेती हूँ। मम्मी हम मैं मम्मी को दीदी दीदी बता क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये महिला मंगल दल की अध्यक्ष है और ये सबकी दीदी है, तो हम भी इन्हें चिढ़ाते हैं दीदी दीदी बोल के, है ना दीदी? मजाक में दीदी बोलती है। दीदी वैसे मैं चार लाई हूँ, आप भी खा सकते हो। नहीं आप ही खा ले, मैं दो ही खाऊंगी ना, एक पापा के लिए और एक आपके लिए लाई हूँ दीदी। ठीक है चलिए दीदी। दीदी है तेरे स्वेटर दीदी बोलती ना पहले? नहीं नहीं अब तो ना ये ढीले हो जाते, तो मैं पहन लेती हूँ। कोई बात नहीं, तो मम्मी ने जब दाल वाल बनाई दी है तो मैं यही खा देती हूँ, और चाय और समोसा एक ही खाती हूँ ना मम्मी? हाँ एक ही खा बेटा, क्योंकि अब आपने बना दिया तो वेस्ट जाएगा ना। अब जब मैं बनाती हूँ तो पर अगले संडे से याद रखना ना। जी पर मुझे याद दिला देना, जब तुम भूल जाती हो। ठीक है जी, हाँ जी धन्यवाद। मम्मी आपके दर्शक जानना चाहते हैं कि आप ऑफ कैमरा भी ऐसी बात करती हो या आपकी आदत ही ऐसी है बात करने की? नहीं नहीं मेरी आदत ऐसी है, ये मेरी आदत है यार, क्या करता हूं। और आपकी स्वेटर में दाल लगी है? गुस्सी भाई के समोसे बहुत फेमस है, और चटनी का तो क्या ही कहें। आधी खा दी है जो मैंने, ये देखिए आप भी खा सकते हैं ऐसे समोसे अपने चीट डे के दिन। बस तो ये समोसे खा के इतना मजा आया ना, मतलब जब गरम गरम समोसे पेट में गए तो उन्होंने एक अलग ही सुख प्रदान कर दिया। तो आप भी खाइए गरम गरम समोसे। और अब मैं इंस्टा रील बनाने वाली हूँ, यानी कि आजकल इंस्टाग्राम पे अगर आप यूज़ करते होंगे तो चेकआउट करना उसमें कि हम एक्टिंग करते हैं, मतलब मज़ा आता है। अगर आप मेरी इंस्टा रील देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इसको तो एक्ट्रेस होना चाहिए, इसको तो मुंबई होना चाहिए, ले जाओ इसे कोई, अपने मुँह से अपनी तारीफें कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों चेकआउट कीजिए, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद दिन के खाने के साथ। वैसे आप अपना संडे कैसे एंजॉय कर रहे हो बताना मुझे। ओहो आज तो मस्त घाम आ रखा है, मस्त धूप खिली च, मजा ही आ गया आज तो, आराम से घाम सेकेंगे। दोस्तों आज तो मैंने बहुत सारी इंस्टा रील्स बनाई, आप भी चेकआउट करना, मैं नीचे लिंक पिन कर दूंगी। तो अब हो गया हमारे दिन का खाने का टाइम, तो देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है, मम्मी ने अपनी परी के लिए क्या बनाया, चलिए देखते हैं परी के लिए आज क्या बनाया मम्मी। अनी आज एक हफ्ते बाद मैं भात भी खाऊंगी, फ्राइड राइस और दाल। ये दाल है फ्राइड राइस और दाल, सुबह समोसे और अब फ्राइड राइस और दाल। वैसे ये भी हेल्थी है, ज्यादा अनहेल्थी नहीं है ना? अच्छा ही। यस टेस्टी बनाया मम्मा आपने, बहुत टेस्टी, वेरी गुड। पहाड़ी लोग ना हाथ से खाते तो बड़ा मजा आता है ना मम्मी। इसको बोलते हैं सपोड़ा सपोड़ी, है ना मम्मी? बेटा ना जब से मैं हाथ से नहीं खाती ना, चम्मच से ऐसा लगता है किसी के हाथ से खा रही मैं। ऐसे देखो अच्छा चबाती भी नहीं है, चबाए तो करो यार मम्मी। और कोई ऐसे खाता है ना तो ऐसा लगता है हम भी खाए ऐसी, है ना? पर आपको देख के नहीं लग रहा। सपोड़ा सपोड़ रखी है मम्मी की, सपोड़ा सपोड़। रिश्वत को रैलु भात बस कर अब भंडना सपोड़, अब कदगा खेलू रे खेलू रे। आनंद रे। प्रणाम दाजी। हाँ जी क्या कर रहे हो आप?
हाँ फोटो निकालू। यहाँ पे क्या चल रहा है दादाजी, बताओ इसके बारे में। किसके बारे में? ये क्या है, ये कितना अच्छा अच्छा टेंट लगा के, हाँ, टेंट के लगा कैंपिंग चल रही है क्या? अच्छा सामान बेचने आए होंगे ना, लोहे का बता रहे ना, बताओ इसके बारे में। अच्छा प्लास्टिक भी है, लोहे का भी है, लोहे का भी है। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, जो हम कैंप बना के रहते ना ऐसे ही रहते हैं लोग। फोटो खींचो ना पहले। हाँ खींच रही हूँ। हमारे बच्चों के लिए। हेलो, क्या कर रहे हो, ये क्यों रो रहा है? चिज्जी के पैसे मांग रहे हैं। चिज्जी चाहिए? हाँ पैसे मांग रहे हैं, सामान ला भी क्या हम आज ही आए। अरे आप लोग 10-20 रुपए हो तो दे दिया। अच्छा अच्छा दे दूंगी, दे दूंगी। वो कह रहे एक भी लाइक नहीं आएगा आपकी वीडियो पे। वो कह रहे आपको कोई नहीं पसंद करेगा। बोलो उनको, हमको सब पसंद करेंगे। अच्छा इसकी बनाती। ये कितना क्यूट है, कितना क्यूट है। अरे ले, तो आप लोग ऐसे घूमते रहते होंगे ना इधर से उधर सामान बेचते, हर साल आते हो आप लोग? और कितने दिन रहोगे आप लोग यहाँ पे? काफी दिन रहेंगे, 2-3 साल तक यहाँ पे रहोगे और फिर चले जाओगे। गांव में ऐसे सामान बेचते होंगे ना? तो दोस्तों आपको चाहिए अगर ऐसा सामान तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, स्टेशन पे ही आए हैं लोग, आप इनसे खरीद सकते हैं। ये वाला ले, उसको सारा चाहिए। और बच्चों को भी दूंगी। ये वाला ले 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 ले, कुरकुरे ये दे रही हूँ मैं तुझे, दे रही हूँ। आ जाओ सब। टॉफी कौन लेगा? टॉफी लो, चल वो थारी छुट्टी है, जा जा। तू ले ले मानिया, चल ले। दाजी आप भी लो टॉफी, लो। दांत नीचे। दाजी भी खाएंगे, दाजी क्यों नहीं खाएंगे? खाओ। एक दो बस। तो स्वीटी हम ना सोचते कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब हम ऐसे लोगों को देखते, तूने देखा ना टेंट बना के रह रहे, तो ऐसे लोगों को देखते तो फिर हमें लगता कि यार हमारे पास बहुत कुछ है, तो जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए, है ना? फिर तुम क्यों नहीं रहती हो? मैं भी खुश रहती यार, मैं कब खुश नहीं रहती, हमेशा तो हंसती रहती हूँ। मतलब काउंटर मारेगी मेरे ऊपर। मतलब मैंने तो आज क्या खाए, मोमोज खाए, चाउमीन खाए। स्वीटी झूठ मत बोल, आज हमारा चीट डे है। मतलब हमने लास्ट टाइम संडे के दिन खाया था और आज भी संडे, हमारा चीट डे ही होता यार। स्वीटी यार सब कुछ झूठ बोलती है, ये झूठ बोल रही है दोस्तों, ये सरासर झूठ बोल रही है। इसकी बातों में बताना, मैं बहुत सीरियस हूँ और आज ही हमारा चीट डे। झूठे लोगों के साथ नहीं आती मैं कैमरे पे, इसलिए मैं ज्यादा कैमरे पे नहीं आती जी। यार क्यों बेइज्जती कर रही हो? चलो दोस्तों अब सीधे मिलते हैं हम दूसरे स्पॉट पर, जहाँ हम लजीज खाना खाएंगे। नेगी भाई जिंदाबाद। तो बहुत ही अच्छी शाम हो रही है, सूरज की सीधी किरणें चेहरे पे पड़ रही है, तो और भी ज़्यादा चेहरा जो है वो चमक रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। जय सूर्य भगवान। तो स्वीटी क्या खाओगी बेटा बताओ क्या खाओगी? I love momos. और yes. और बस यही मिलता है क्योंकि यहाँ momos और चाउमीन बस, और देखते हैं फिर, है ना? तो चीट डे तो बड़ी खुशी का दिन लग रहा है सच में बोलूँ तो। और ये झूठ बोली थी दोस्तों, ये आज ही मतलब संडे के दिन ही हम ऐसे काम करते हैं, पार्टी हो जाती है, आप भी करते होंगे। तो चलिए चलते हैं। हिमालय को ऊंचा डंडा तेरो मेरो गाँव, हिमालय को ऊंचा डंडा तेरो मेरो गाँव, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं। क्या बोल रहे? इनके अलग ही मजे आ रखे हैं। कुछ तो खास हो लो मैं माँ, हाँ हाँ कोई
गीत बात होली सुदित क्वीन देख दो लुकी छुपी सुरक खिड़की खोली। वाह वाह वाह, इतने अच्छे शेप के मोमोज आपने कहीं नहीं देखे होंगे। अब हमें सीक्रेट पता चल गया, आप ऐसे करके बंद करते हो ना तो पता नहीं चलता। सबसे शुद्ध मोमोज बन रहे हैं यहाँ ना, सबसे शुद्ध मोमोज। क्या बोलते हैं, मैं खेली कोई कुछ नहीं। हाँ मतलब इधर लाइट खोला जरा। हाँ लाइट वो ज़्यादा ही। 3 रुपये हो बेटा, 3 प्लेट हो। अरे ये आपने खा लिया क्या? अब लेकर भी आने। कांति कांति इधर देखो, कांति कैसे लगे मोमोज? कला अच्छा, तुमने चौमिन खाई? ये है कांति, ये है कांति और ये है कला। अरे ला मुझे दे दो यार, मुझे दे दे। अरे मुझे दे दे यार, अरे दे दे। ओहो तो स्वीटी कैमरामैन बनी है और उसने सोचा कि उन्हें सिनेमेटिक शॉट लिया जाए। और हम एक हफ्ते बाद आ रहे हैं। हम नेगी जी से भी पूछेंगे कि हम कितने टाइम बाद आ रहे हैं। बताइए, हम एक हफ्ते बाद आ रहे हैं ना? आप ऐसे बोल रहे हो तो हमारे दर्शक कैसे सच मानेंगे? ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। कैमरे पे देख के बोलो कि हम एक हफ्ते बाद यहाँ पे आ रहे हैं, ये सच है दोस्तों। तो अब मोमो खाएंगे और हमने सोचा है कि थोड़ा उधर खाएं, थोड़ा पहाड़ों का दृश्य हो और फिर मोमो खाएं और फिर आपको चिढ़ाया जाए और कुछ मीठा भी हो जाए। ये है पहाड़ों की फेमस बाल मिठाई जिसे कहते हैं, और ये है मिल्क केक और ये चॉकलेट वाली। मैं चॉकलेट के अंदर ये सफ़ेद दाने लगाते तो वो बाल मिठाई बन जाती है। हाँ। वो अलग होती है, वही होती है ना। नहीं नहीं, तो हमें 10 रुपये की जलेबी दे दो। सिटी आप क्या लोगी? आप भी जलेबी खा लोगी, कमी नहीं है, मीठा हम ज़्यादा नहीं खाते बिकॉज। तो दोस्तों रात बहुत हो गई है और हमें फटाफट ये ख़त्म करना है और फिर जाना है। आप देख सकते हैं फ्लैश हमने ऑन कर दिया है और आज तो मज़ा आने वाला है क्योंकि एक हफ्ते बाद ये दिन आया है। वाह सिटी, पार्टी हो गई ना? और संडे को आपने क्या क्या मस्ती की हमें ज़रूर बताना। कैसा हो रहा है? लाल लाल जलेबी खाने का तो मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा अपना संडे। तो संडे होना चाहिए फंडे और आप भी ऐसे इंजॉय करें। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है लेकिन अंधेरा हो रखा है तो हम फटाफट खा के अब चले जाएंगे। दिख रहा है सिटी अंधेरा? वाह मजा आ गया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू। तो दोस्तों लकीली हमें कार मिल गई है। ये है स्वीटी के भैया की कार, मतलब कि स्वीटी की कार। बाय 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 भैया, बाय। चल निकल, तू भी निकल निकल।